सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है रिवॉल्यूशन 2020 बाय चेतन भगत, ये बुक की समरी। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे बस इतना कहना है कि ये बुक की पीडीएफ लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके पूरी बुक को पीडीएफ थ्रू पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी तीन फ्रेंड्स के ऊपर है जो वाराणसी में रहते थे, गोपाल, राघव, आरती। गोपाल चेतन भगत से मिलता है। चेतन भगत उसके कॉलेज के इनॉग्रेशन के लिए आते हैं और इनॉग्रेशन के बाद गोपाल के घर ड्रिंक्स के लिए जाते हैं। बहुत ड्रिंक्स पीने के कारण गोपाल बाथरूम में बेहोश हो जाता है। चेतन भगत गोपाल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में गोपाल होश में आने के बाद चेतन भगत को अपनी कहानी बताना शुरू करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में शुरू होती है। स्टोरी शुरू होती है जब गोपाल, राघव और आरती तीनों की एज 10 साल की थी। तीनों स्कूल में थे जब गोपाल आरती के टिफिन बॉक्स से खाना चुराता है। आरती पहले नाराज हो जाती है, फिर बाद में गोपाल बताता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है जिसके कारण उसको टेस्टी फूड नहीं मिलता है। आरती गोपाल के साथ टिफिन शेयर करती है और उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आरती रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। गोपाल की फिनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। गोपाल के फादर फार्मर है और उनके ज़मीन पर डिस्प्यूट चल रहे हैं। जब गोपाल 4 साल का था तब उसके मदर की डेथ हो गई थी। गोपाल के फादर को अस्थमा है। कुछ टाइम के बाद गोपाल आरती को प्रपोज करता है, बट आरती गोपाल को एज अ फ्रेंड मानती है। तीनों दोस्त JEE की कोचिंग लेना स्टार्ट करते हैं। आरती को एयर हॉस्टेस बनना है, गोपाल को इंजीनियर क्योंकि उसके फादर का ड्रीम है, और राघव को जर्नलिस्ट। राघव JEE क्लियर करता है एक अच्छे रैंक से और गोपाल फेल हो जाता है। अपने फादर का ड्रीम पूरा करने के लिए गोपाल JEE की कोचिंग के लिए कोटा जाता है। गोपाल के एब्सेंस में राघव और आरती दोनों की रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। जब गोपाल को ये पता चलता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। अपने एग्जाम्स देने के बाद गोपाल वाराणसी आता है और देखता है कि उसके फ्रेंड्स की लाइफ चेंज हो जाती है। गोपाल के फादर ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट गोपाल के क्लासेस के लिए लगा दिए थे, बट इस बार भी गोपाल JEE क्लियर नहीं कर पाता है। गोपाल के फादर उससे नाराज हो जाते हैं और उसे बहुत चिल्लाते हैं। गोपाल उसके फादर को कहता है, मैंने 5,000 रुपीज़ की वेटर की जॉब ढूंढ ली है। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। गोपाल उसके फादर का अंतिम संस्कार करता है। तभी उसके अंकल आते हैं और उसे डिस्प्यूटेड लैंड छोड़ने के लिए 3 लाख रुपीज़ ऑफर करते हैं। गोपाल को पता लगता है कि उसके फादर 2 लाख रुपए के कर्जे में डूबे हुए। गोपाल का एक फ्रेंड उसको एरिया के MLA शुक्ला जी से मिलाता है। शुक्ला जी डिस्प्यूटेड लैंड पे कॉलेज बनाना चाहते हैं और वो गोपाल के अंकल से डिस्प्यूट लैंड छीन लेते हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत दे के लैंड पर कॉलेज बनाने का अप्रूवल ले लेते हैं और गोपाल कॉलेज का ओनर बन जाता है। आरती के पेरेंट्स उसको एयर हॉस्टेस बनने के लिए दूसरे शहर नहीं भेजते हैं, इसलिए आरती एयर हॉस्टेस नहीं बनती है और आरती ने रमादा होटल ज्वाइन कर लिया। राघव ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज कैंपस की जॉब नहीं एक्सेप्ट की, बल्कि एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर की जॉब एक्सेप्ट कर ली। गोपाल की कॉलेज की इनॉग्रेशन के दिन सभी न्यूज़पेपर में उसके कॉलेज की एडवर्टाइजमेंट छपती है, लेकिन राघव ने गोपाल की एक इंटरव्यू पब्लिश कर दिया और उसमें लिखा था कैसे गोपाल ने शुक्ला जी के साथ मिलकर स्कैम्स किए और ये कॉलेज बिल्ड किया। इसके बाद राघव को वो जॉब छोड़नी पड़ी। उसने जॉब छोड़ने के बाद खुद का एडिटोरियल पेज ओपन कर दिया, रिवॉल्यूशन 2020। अब राघव बहुत बिजी हो गया था। गोपाल और आरती दोनों फिर से मिलने लगे। गोपाल ने आरती को फिर प्रपोज किया और इस बार उसने मना नहीं किया। गोपाल ने रमादा होटल में एक रूम बुक किया। दोनों साथ में रूम में थे। आरती को बहुत गिल्ट फील हुआ। उसको लगा वो राघव के साथ रिलेशनशिप में होकर एक नया रिलेशन बिल्ड कर रही है। गोपाल अपने नए बंगलों में शिफ्ट होता है और आरती को इनवाइट करता है। राघव एक बड़ी स्टोरी कवर करता है जिसमें MLA शुक्ला जी को फ्रॉड केस में जेल जाने के लिए प्रेशराइज करता है। MLA के लोग राघव के प्रेस को तोड़ देते हैं। आरती के फादर से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हो जाए, पर उसके फादर बीमार थे तो सब आरती को कन्विंस करते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हो जाए। आरती गोपाल को कहती है कि वो उसका हस्बैंड बन जाए और MLA भी। उसी वक्त राघव हाथ से लिखकर हैंडआउट्स को फोटोकॉपी बनाकर लोगों को बताता है और MLA के करप्शन के बारे में अवेयर करता है। गोपाल राघव के घर जाता है ये बताने के लिए कि वह कितना बड़ा लूजर है। उसकी जॉब और उसकी GF दोनों ही उसके पास नहीं है।
तभी गोपाल राघव के घर पर एक किसान से मिलता है। किसान का बेटा गंदा पानी पीने से मर रहा है और ये सब MLA के स्कैम की वजह से हुआ है, और ये फार्मर राघव को ये स्कैम के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहता है। गोपाल को ये देख के उसे उसका बचपन याद आ जाता है। गोपाल के फादर भी एक फार्मर थे। गोपाल इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अपने लाइफ के सभी ड्यूज पे करके एक अच्छा इंसान बनेगा। गोपाल राघव के न्यूज़पेपर में कॉल करके राघव को दोबारा जॉब पे रखने के लिए कहता है। गोपाल खुद के बर्थडे के दिन एक ऐसा सीन क्रिएट करता है कि आरती गोपाल को दो लड़कियों के साथ देखे और वो उसको अपने लाइफ से निकाल दे। गोपाल राघव के पास जाता है और उसे कहता है कि वह आरती के क्लोज आ जाए और कहता है कि वह अगर आरती से शादी करेगा तो MLA बन जाएगा। इसके 1 महीने के बाद गोपाल को राघव और आरती के एंगेजमेंट का कार्ड मिलता है और बाद में वेडिंग कार्ड भी मिलता है। गोपाल अपने काम में बिजी हो जाता है और इसके बाद गोपाल चेतन भगत को पूछता है क्या गोपाल एक अच्छा इंसान है। ये थी रिवॉल्यूशन 2020 बुक की समरी। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो ये बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं, वरना आप इसे PDF थ्रू पढ़ सकते हैं। मैंने ये बुक की PDF लिंक भी नीचे दे दिया है, आप वहाँ जाकर इसे PDF थ्रू पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज़ अर्पित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।